सामने आए। और अगर बात नारायणगढ़ की तो नारायणगढ़ में भी बहुत अच्छे नतीजे नहीं रहे, तो मतलब क्या रणनीति है कि आप लोग देखिए उन लोकल चुनावों में और ये राष्ट्रीय चुनावों में बहुत अंतर है। ये चुनाव हमने तो अपना नॉमिनी खड़ा कर दिया, हमारा कैंडिडेट है नरेंद्र मोदी। अब ये दूसरी पार्टियां अभी तक तय नहीं कर पा रही कि उनका कैंडिडेट कौन है, उनको डर के कारण वो किसी एक के नाम पर तय नहीं कर पा रही। तो हमने तो खड़ा कर दिया कि आ जाओ मैदान में, जिसने आना जो आएगा उसको धराशाही करेंगे। लेकिन कांग्रेस को आरोप लगा रही है कि आप परिवारवाद भी बढ़ा रहे हैं, पहले रतनलाल कटारिया आप उनकी तरफ पर, ये परिवारवाद की निशानी नहीं है? नहीं, ये परिवारवाद की उसमें नहीं आता है। कटारिया जी के होते हुए वो कोई पद को रखते हुए फिर बंदों को देते हैं, वो परिवारवाद का। कटारिया जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं तो उसमें बंतो कटारिया केवल पत्नी होने के कारण उसको टिकट नहीं दिया गया। बंतो कटारिया पार्टी में एक्टिव थी और कई अहम पदों पर उसने काम किया। राहुल गांधी का क्या पिछले 2019 में 10-15 सीटें बीजेपी को पड़ी? यहाँ पर 10 में से 11 आएंगी, 10 हरियाणा की, 1 चंडीगढ़ की, और इन सभी सीटों पर बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीते। देखिए ऐसा है, हमारा किसी सीट के ऊपर पेच नहीं फंसा हुआ, क्योंकि लोकसभा की सभी सीटों पर नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं और इसीलिए हमने अपनी कंपेन सब जगह पर स्टार्ट कर दी। कैंडिडेट कोई भी हो लेकिन वहां पर लड़ नरेंद्र मोदी रहा, मुझे नहीं जानकारी करने की जरूरत है तो उसको बीजेपी एक नारी के साथ जोड़ के देख रही है कि आप क्या मानते हैं सर? देखिए शक्ति की और राक्षसों की हमेशा लड़ाई होती आई है और उस लड़ाई में हमेशा राक्षस आ रहे हैं, सारा उठा के देख लो, और अब भी राक्षस आ रहेंगे। 4 जून को ये सारे धाराशाही होकर पड़े हुए हैं। और एक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहली रैली के रूप में देखा जा रहा है, तो क्या आप भी शामिल होने की कोई उम्मीद है या आपको कोई नहीं? मुझे कोई जानकारी नहीं है, जानकारी होगी जहां जाऊँ वहां जाया करेंगे, अभी तो मैं फिलहाल चंडीगढ़ जा रहा हूँ। नहीं मुझे कोई जानकारी नहीं सर, कैसे मतलब फाइट कर पाएंगे पिछले जो नतीजे रहे पंचकुला की, वही बात है कायम है। अरे मैं कोई नाराजगी नहीं, राहुल गांधी का एक बयान नहीं, उनको अपना सीना किसी दिन नाप लेना चाहिए फिर ये बात करनी चाहिए। आज चुनावी